हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप के नॉर्मल फॉन्ट में शादी का पोस्टर एडिट करना सीखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PLP फाइल का लिंक दिया हुआ है। PLP फाइल zip फाइल में है। इस फाइल को अनजिप करने के लिए इसी वीडियो में आपको कहीं भी एक जगह पर बोलकर एवं दिखाकर इसका पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो पासवर्ड नहीं जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको PLP फाइल को डाउनलोड करने के लिए वीडियो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोर का। यहाँ पर देखिए मोर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर देखिए PLP फाइल शो हो रहा है, तो सिंपल सा एक और मोर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि सभी चीज़ें यहाँ पर दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए PLP फाइल का लिंक दिया हुआ है, तो इसी PLP फाइल वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, डू यू वांट टू डाउनलोड शादी कार पोस्टर, तो इस पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो सिंपल से यहाँ पर डाउनलोड पर ही अभी क्लिक कर देना है आपको। एंड दोस्तों, यहां पर देखिए डाउनलोड हो रहा है, तो कुछ सेकंड्स आपको इंतज़ार कर लेना है। एंड दोस्तों, अब आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पर अपना फाइल को ढूंढ लेना है। अगर आपके फ़ोन में अचीवर का ऑप्शन होगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, रार, जीप एंड जार। तो हमारा जीप फाइल था, तो जीप फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको ढूँढ लेना है अपना फाइल को। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए मेरा फाइल है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्ट्रेक ऑल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फाइल चूज करना है, किस फाइल में आप इसको स्ट्रेक करना चाहते हैं। तो सिंपल सा स्ट्रेक टू डाउनलोड पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यस के चिन्ह पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर यस के चिन्ह मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड फिर से आपको यस के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। ये फाइल आपका स्ट्रेक हो गया। एंड अब आपको पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके फ़ोन में न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो ऊपर में डिलीट का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। देन यहाँ पर देखिए राइट कॉर्नर में 3 डॉट का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, ओपन PLP फाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको ऊपर में PLP फाइल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको अपना फाइल ढूंढना है, किस फाइल में आपका PLP फाइल है। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो इस एरो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो और दूसरा फाइल में आप चले जाएंगे। एंड यहाँ पर देखिए मेरा पिक्सल लैब के फाइल है, तो इस फाइल पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, ओपन एंड ऐड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड फिर से आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा PLP फाइल ओपन हो गया है। अब आपको इसमें नाम एंड डेट चेंज कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रजापति परिवार, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो अपने कास्ट के हिसाब से। तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में लॉक के आइकन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ताले हैं सभी लॉक हैं, तो इनको आपको अनलॉक करना है, इसके बाद ही आपका नाम चेंज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि नाम कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए नाम है, ताले वाले बिंदु पर आपको क्लिक करके इसको अनलॉक कर देना है। फिर से इसको भी आपको अनलॉक कर देना है। अब आपको फिर से लॉक के आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर डबल टैप करना है, तो यहाँ पर देखिए इस कट वाला आइकन पर क्लिक करके इसको इरेज कर देना है। देन आपको यहाँ पर नाम को चेंज कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ। इसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम चेंज हो गया है। एंड फिर से आपको यहाँ पर लड़की के नाम वाले टेक्स्ट पे आपको डबल टैप करना है। एंड कट वाला आइकन पर क्लिक करके इसको भी आपको इरेज कर देना है। यहाँ पर आपको लिख देना है लड़की के नाम। इसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी मेरा नाम चेंज हो गया है। तो इसी तरह से जो कुछ भी आपको इसमें चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। पासवर्ड है 04052025। इसके बाद इस पोस्टर को आपको गैलरी में सेव करने के लिए इस टूल्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एज इमेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव टू गैलरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आपके लिए
बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।